कल भी, आज भी, देश का नंबर वन सिर्फ एक आज तक। अपने किताबों के भीगने की वजह से बिलखती ये लड़की छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली है। बारिश की वजह से इसके मकान में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसकी वजह से उसमें रखी इसकी किताबें भीग गई। फिर क्या था, जैसे ही इस बच्ची ने अपनी भीगी किताबों को देखा, खुद को रोक नहीं पाई और फफक फफक कर रोने लगी। जब ये वीडियो किसी ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट किया और मदद मांगी, तो सोनू सूद ने तत्काल रिप्लाई देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि आंसू पोंछ ले बहन, किताबें भी नई होंगी, घर भी नया होगा। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय प्रशासन ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया। लगातार पानी गिरने की वजह से बाढ़ आया और बाढ़ के चलते पूरा घर पूरा ढह गया और जितने भी मेरे बुक्स थे वो घर के अंदर रख दी थी, ये सोच कर कि वो वहाँ पर रखने से बच जाएंगे करके, लेकिन वो पूरा बह गए और पूरे बुक्स गीले हो गए और कलेक्टर्स और विधायक महोदय आके मेरे को नए बुक दिलवा दिए, जिससे मैं वो बुक के सहारे मैं फिर से पढ़ सकती हूँ। और आप सबको बहुत धन्यवाद और न्यूज़ 18 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सोनू सूद जो मैं रोते हुए जो बुक्स निकाल जाती हूँ उसको देखकर फिर वो कुछ रिएक्शन दिए हैं और वो मेरी हेल्प भी करना चाहते हैं। दरअसल 15 अगस्त की रात को अंजनी के मकान में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसकी वजह से उसे अपना घर छोड़ दूसरी सुरक्षित जगह पर परिवार के साथ शरण लेना पड़ा। लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरा तो वो अपने घर पहुंची, जहां अपनी भीगी किताबों को देखकर रोने लगी। बीजापुर से शेख इस्लामुद्दीन की रिपोर्ट, एमपी तक।